बात बताए जी। रेडवा की तरह हमारे सर पे भी एंटीना है, वो पकड़ लेता है तो क्या सोच रही है? सोच रही है दादी के मुंह में मिश्री कैसे, और दादी की तबीयत को हुआ क्या था कि ठीक हो गई? अरे हम तो ठीक हो गए, धूप में आईने की तरह चमक रहे हैं, पर किसी और की तबीयत कैसे चमकाई सोच रहे हैं, लंबा रास्ता ले या छोटा अपना ले। छापना ही देंगे मुंह पे, मार सकते हैं का तुम का है? दुई उंगली, दुई उंगली मतलब दुई रास्ता, अब तू चुन ले, जो रास्ता तू चुनेगी ना उस पर हम निकल पड़ेंगे। नापले 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 तू तो बिल्कुल हमारू है, तूने हमारे मन का रास्ता चुन लिया है। ये ना लंबा रास्ता सोच रहे कोनो शॉर्टकट नहीं का। कैसे रास्ते दादी? रेडवा दे, थोड़ा रेडवा सुनते हैं। दी, ये शशिकला के दिमाग में कोई दुष्ट आइडिया सोचा उन्होंने। हे भगवान, ये दुष्ट आइडिया किसी पर भारी ना पड़े, समय अपनी जल्दी आ जाओ। अरे कहाँ सरक लिए तुम दोनों, आओ देखो अच्छा गाना सुनो। हैं एंटीना, अरे बैठ जा, तू हमारे पैर दबा और तू प्रीतिया गाना सुन और हवा दे, चल दबा। वैसे दादी उंगली वाला कौन सा रास्ता? खाना लंबा रास्ता था, पुछा के घोड़ों को लगाम लगा के रखो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। चल फट 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 फट। उसे ना जो 20,000 का गमन किया है उसकी सजा तो उसे देनी ही पड़ेगी बिट्टू। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है रिया? ठीक से सो ना, ऐसे सोएगी ना तो आई एम श्योर शिवम पक्का तुझे कमरे से बाहर फेंक देगा। अरे मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? तू सो जा, वैसे भी मैं इतनी जल्दी नहीं सोती। नींद नहीं आ रही है या अभी यहाँ नींद नहीं आ रही है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है? देख मन तो कर रहा है कि तुझे सच बताऊं, लेकिन तू मेरा मजाक बनाती है। मैं कब मजाक उड़ाती हूँ यार, वो भी तेरा। हाँ चल बोल जल्दी, अब पहले प्रॉमिस कर कि मजाक नहीं बनाएगी। अरे बाबा प्रॉमिस, बोलना। वो एक्चुअली ना मुझे ना यार ये कमरा थोड़ा थोड़ा पराया पराया सा लग रहा है। एक ही दिन में वो घर वो कमरा प्यार हो गया था, वहां पे सो गई, अब इस घर में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। एक ही दिन में ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्या हो गया है? प्यार परवान चढ़ चुका है रिया मैडम, और कुछ नहीं। तुझे ना हीरो हस्बैंड शिवम की याद आ रही है बंटी, इसीलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी। तूने फिर से मजाक बनाना शुरू कर दिया ना मेरा। अच्छा बड़ी आई नहीं बताने वाली, सो जा चुपचाप और सुन लाइट बंद कर दे। तू सो जा मैं कर दूंगी। अरे
देख रही हो प्रीति दी? क्या मतलब भाभी क्या गई है? भैया तो घर पे रहने ही नहीं लगे। मतलब पहले कैसे होता था कि हम तीनों साथ में बैठकर ताश खेलते थे, बातें करते थे, वाओ कितना मजा आता था। और अब देखो कितने बदले बदले से लगते हैं भैया भी। माँ का लाडला तो बिगड़ गया, हाथ से ही गया। सच में हाथ से गया? कौन हाथ से गया? कोई नहीं, शिवम की बात कर रही है ना? शिवम की बुराई कर रहे थे ना तुम दोनों? नहीं कुछ बुराई नहीं कर रहे थे, बस जब से भाभी आई है ना तब से भैया बहुत बदले बदले से लगने लगे। अच्छा। मतलब आज काफी इच्छा थी मम्मी कि हम तीनों साथ में बैठ के बातें करेंगे, पर वो अभी घर पे नहीं रहते। मुझे तो लगता है भैया ना भाभी से मिलने गए होंगे। भाभी से? वो मिनट की भी जुदाई सही नहीं गई उनसे। मुझे तो लगता है अपनी जान से बीबी का दीदार करने चले गए। सुधर जाओ तुम दोनों, सच कह रहे हैं। मतलब थोड़ी सी भी इतनी सी भी सीधी सोच है नहीं। जब भी सोचोगे तुम दोनों उल्टा ही सोचोगे। अभी से ही भाभी खलने लगी का तुमको है? शिवम का फोन आया था। सुन लो बात, उसने फोन करके हमको बता दिया कि वो एक दोस्त के घर रुक रहा है और रात को घर वापस नहीं आएगा। और फोन भी उसने दोस्त के नंबर से किया है हमको। मतलब दोस्त के साथ ही है, रिया के साथ नहीं है। देखा प्रीति दी, फोन किसको किया? मम्मी को। और हमें? अब तो आने दो, अब मैं उन्हें बताऊंगी। हम तो कुछ लगते ही नहीं है उनके। मम्मी अब हम भी खलने लगे तुम दोनों को? नहीं पर ये भैया ना। कुसिया, ओ कुसिया। दादी कुछ बदले या ना बदले पर एक चीज तो इस घर में कभी नहीं बदलेगी, वो और वो है हमारी प्यारी दादी। जाओ बुलावा आ गया है अपनी सासू माँ का। तेल लगा लेना प्रीतिया। हाँ सुनो ना दी, वैसे आपको क्या लगता है मतलब भैया कहाँ गए होंगे? मतलब दोस्त के घर गए होंगे या ब्योमकेश पक्षी सो ही जाते हैं। फिर से तेरी जासूसी शुरू होगी ना, इधर गए होंगे उधर गए होंगे। पर तो भी दोस्त के घर मुझे तो नहीं लगता। तो एक काम कर, रात भर जा और सोच कि गए कहाँ होंगे। नहीं मुझे भी नींद आ रही है। सो गई का? अब बुआ अब जाके फुर्सत मिली है तुमसे बात करने की। अच्छा ये बताओ, दो दिन ससुराल में कैसे बीता? सब ठीक ठाक था? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया और सब लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा। सबसे ज्यादा ख्याल पता है किसने रखा? आपकी बेस्ट फ्रेंड ने, शिवम की दादी। हमारी फ्रेंड ना कहो। क्यों? ओ का घंटी, अरे कुंभकर्ण की तरह सो रही, उठना। कुसिया, ओ कुसिया, आज ही दर्शन दोगी या फिर अगले जन्म? कहा हुआ अम्मा जी, कुछ चाहिए? मुक्ति दे दो, दे सका तो। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो अम्मा जी? रहने दे, मैं आँख का पानी देख के हम पहचान जाते हैं, जान जाते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे इधर हम मरे जा रहे हैं और तुम सवाल जवाब की चक्की पीसे जा रही हो। यही क्या हो रहा है राम जी, अब तो सरक जाएंगे हम। ये जो अंधेरा घड़ी घड़ी छा रहा है आंखों के सामने, रघुआई क्या हो रहा है? हम फोन करके आते हैं। तुम तो बहाना ही ढूंढ रही हो हमें अकेले छोड़ने का, ताकि अकेले अकेले बिना किसी के सहारे हम ऊपर सरक जाए। नहीं नहीं अम्मा जी, हम कहीं नहीं जा रहे, हम इधर ही है आपके पास। देखो
लेकिन टेंशन मत लो, डॉक्टर ने मना किया है टेंशन लेने से। क्या करे हैं, तो सास बनते ही हमें भूल गई, इतने दिन हमारे पास बैठी, कुछ पूछा के कुछ चाहिए अम्मा जी। ठीक है अम्मा जी, माफ कर दो, इधर ही है। माफ नहीं करेंगे, सजा देंगे। इधर चटाई लगा के सो जा हमारी आंखों के सामने। ठीक है अम्मा जी। सास बनते ही सास को भूल गई, बड़ी पल्लू खोस खोस के पूरा दिन घूमती रहती है, घर में बहू बहू करती रहती है। बहू है तू हमारी, हमेशा बहू बन के रहेगी इस घर की। जी अभी तो हाँ हाँ मैं मुंडी हिला रही है, पर कल का दिन तुम्हारे लाने बहुत ही भारी होने वाला है कुसिया। हाँ, हमारा इंतजार खत्म होने वाला है। सो गई का? नहीं अम्मा जी, जगे। लाइट कौन बंद करेगा? किसको बुलाओ लाइट बंद करने के लाने? रघुवा को फोन लगाए? माफ करते हैं। आग बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। रात को हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ी तो बीमारी में बिस्तर छोड़ के उठे का? जी अम्मा जी। और हम सो रहे हैं, तू जागना, हमारा ख्याल रखना। निश्चिंत होके सो जाओ अम्मा जी। मिस्टर हीरो हीरालाल, ये क्या हो रहा है जी? उस घर की तरफ क्यों देख रहे हो, वो भी इतनी रात को? क्या हुआ है, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, वो मैम क्या? हाँ मैं तारे गिर रहा था। आने मत बता, सही से बता। जी वो मैं, वो मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, ये बाइक के ऊपर खड़े होकर के बाइक स्टार्ट करने का कोई नया तरीका निकाला है क्या तूने? निकाल लाइसेंस दिखा अपना। जी वो लाइसेंस। इधर रहता है तू, बोल। जी जी वो कॉलोनी अरोड़ा कॉलोनी, उसके पीछे 10 नंबर बस स्टॉप, उसके पीछे। ला पहले लाइसेंस दिखा मुझे, जल्दी कर। लाइसेंस। आओ अनुपम, गुड़िया से उसके ससुराल के बारे में पूछ रहे थे। ऐसे एक बात है बुआ, जैसा हंसता खेलता परिवार हमारा है ना, ऐसा ही परिवार मिला है रिया को। और लड़का तो एकदम हीरा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही अंकल, A1 लड़का चुना है रिया ने। मगर किसी ने एक बात नोटिस की, रिया दीदी एक ही दिन में कितनी शांत हो गई है ना। मुझे तो लगता था रिया दीदी एक्चुअल में शेर है, लेकिन वो सिर्फ घर में शेर बनती थी, बाहर तो उसकी बोलती बंद हो गई। कुछ भी बोलता है। अरे साहिल तू यहाँ है, पूरे घर में ढूंढ लिया इसको। ले दूध पी ले। अरे वाह, लग रहा है कि बड़ी गप्पे चल रही है यहाँ। हाँ अरे हमें भी बताओ क्या बातें हो रही हैं। सुमन तुम्हारी कमी खल रही थी, आओ बैठो। अरे तुम्हें कुछ नहीं पूछना रिया के ससुराल के बारे में? हाँ हाँ क्यों नहीं, रिया से तो हमें बहुत सारी बातें करनी है, है ना रिया? तो बैठिए ना। नाटक मत कर, सही से बता, वरना 2 मिनट में भी तुम्हें अंदर कर दूंगा मैं, समझा? नहीं सर, सच में मैं बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो रहा था। अच्छा, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब बाइक बिगड़ गई। जी जी जी। हैं? तो उस घर को क्यों देख रहे? उस घर में क्या कोई मैकेनिक रहता है क्या, जो आएगा वो तुम्हारी बाइक सही करेगा? सुन, अपनी जो फटफटिया है ना, इसको साइड में लगा और हमारी जिप्सी में बैठ, क्योंकि चलना है, तुझसे कुछ पूछताछ करनी है। आ जाओ पीछे पीछे। हुआ भाई रो जी,
क्या सोचने लगे? जी मैं सोच रहा था कि मैं अपना बाइक इधर इधर पार्क कर दूं। पार्क मत कर, खड़ी करो मेरे साथ चल। हाँ खड़ी कर दूं। लगा उधर, आप पीछे पीछे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई चोर वोर दिखा क्या? कुछ नहीं मास्टर जी, एक लड़का आपके घर के सामने खड़ा हुआ बहुत देर से आपके घर को घूर रहा था। अरे मैंने उससे कहा अपनी जरा बाइक साइड में लगा, उसने बाइक स्टार्ट की और चला गया। मास्टर जी आप भी जरा चौकस रहिएगा, अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए। अरे भाई आपके घर में अभी नई नई शादी हुई है ना, ये चोर उचक्के ऐसे ही घरों के आस पास चक्कर लगाया करते हैं और मौका पाते ही ना हाथ साफ कर देते हैं। डॉक्टर साहब इस मोहल्ले में तो रहना मुश्किल हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलिए आप लोग भी आराम कीजिए, बाद में फिर मिलते हैं। जी। अच्छा नमस्कार। ये सब ना आपकी वजह से हुआ, और लेके आओ 5 लाख रुपए रिक्शा में और उसे घर पे रखो और मुझसे छुपाओ भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हो सकता है कि चोर को पता लग गया होगा कि 5 लाख रुपए हम लोग के पास है, और हो सकता है कि मैडम एक्स का आदमी हो। आज की रात गुजर जाए, सुबह होते ही हम पैसे लौटा देंगे। हमें तो बड़ी घबराहट हो रही है बुआ जी। हमें भी बहुत डर लग रहा है, चौकीदारी करनी पड़ेगी आज रात को। पापा हाँ? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अरे खुद सोचो ना, आपका और साहिल का किडनैप होना, हमारे पीछे गुंडों का पड़ना, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। अरे क्या कहेंगे पुलिस वालों को कि 2 बहरूपिया हमारे पैसों के पीछे पड़ गए थे। अरे शादी वाली लड़की गहने पहन के रिक्शा में जाएगी तो चोर तो पीछे पड़ेंगे ही ना, उल्टा वो हमें कहेंगे कि आज के जमाने में कोई गहने पहना के रिक्शा में बेटी को लाता है क्या। अरे गलती तो हमसे हो गई, हमें ना गाड़ी कर लेनी चाहिए थी या तुम्हारे गहने उतरवा के लाना चाहिए था। चलो ये बात तो सही कह रहा है अनुपम, हमको तो ऐसा लग रहा है कि सांतिया के आदमी ने तो नहीं मैडम एक्स। बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं, हम तो एक बात कह रहे हैं, होशियार रहना पड़ेगा ना, है आज की रात संभालना पड़ेगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है। चलो, चलो, चलो। पैसे का मामला है। चलो मम्मी जी, वो हम पूछ रहे थे कि हम अपना बिस्तर कहाँ लगाएं। या लगा ले हमारे सर पे, कितनी बार बोला है तुमसे छज्जे पे बिस्तर लगाओ, जाओ। मम्मी जी छज्जे पे बिस्तर कैसे लगाए, और पूरा मोहल्ला देखेगा तो कितनी बदनामी होगी। अच्छा तो अब तुम हमें चीजें समझाओगी, इतने बुरे दिन आ गए हमारे रनिया। मम्मी जी आज तो सत्यनारायण की पूजा भी हो गई, तो का तो हमारे कहने का मतलब है कि सारी बहुओं को उनका कमरा तो मिलता ही है ना। देखो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोनो कमरा नहीं है, तुम जाओ छज्जे पर ही सो जाके। मम्मी जी हम छज्जे पे कैसे सोएंगे, कहाँ हमारे कोई भी कमरा नहीं है। आज तो नहीं, हमेशा के लिए कह रहे हैं रनिया, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोनो कमरा नहीं है, हमने तुम्हें पहले से बताया था ना, फिर बार बार एक ही बात करती हो। जाओ छज्जे पे अपना बिस्तर लगाओ, आराम से चैन की नींद सो जाओ, ठंडी हवा खाओ। चलो मम्मी जी छज्जे पे। हाँ छज्जे पे, अगर मन ना लगे ना तो वहीं से चद्दर तान के अपनी चाची के घर चली जाना, है शॉर्टकट। चल गुड नाइट, जा। अरे यहाँ बिस्तर कहाँ लगा रही हो? चाची हमें मम्मी जी ने कोई कमरा नहीं दिया, पहले तो हमको लगा था कि वही सब कुछ गुस्से में बोल रही हैं, पर उन्होंने इस कुछ अच्छा नहीं किया, सुहागन की हाय लगेगी उनको।
बहुत ज्यादा सासूपना दिखा रही है ना। जिस दिन हमने अपना बहुपना दिखाया ना, तो बस मुंह छुपाते फिरेंगी, बता रहे हैं हम। शाबाश, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। लगाओ फोन दामाद जी को, लगाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।